चलिए दोस्तों, आज परसेंटेज का एक और सेक्टर लेकर आप लोग के बीच आया हूँ, कॉम्पिटिटिव वेतन ग्रेड। देखिए, टाइप अपने पास 11 है, इससे पहले टाइप 10 तक क्लास हो गया था। जिन भाइयों को टाइप 11 मिल रही है वो टाइप 10 तक वैक्सीन देख ले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अपने पास टाइप 11 है जिसका वही परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है, और टाइप इसका बी है, ए इससे पहले अपलोड हो चुका है। देखिए, फेल रहेगा तो इसके लिए माइनस यूज करना है, पास रहेगा तो इसके लिए प्लस यूज करना है। करा एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए, 29% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। फेल मतलब माइनस, फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी को, यानी एक दूसरे और विद्यार्थी है जिसको 43% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक लाया, इसका मतलब प्लस है, 8 अंक ज़्यादा लाया। परीक्षा कुल पूर्णांक, देखिए हमसे पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न है परीक्षा कुल पूर्णांक, दूसरा पूछ रहा है पास अंक का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, तीसरा है उसका प्रतिशत क्या है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत। देखिए यहाँ आपको हम पहले कुछ लिख देते हैं, जैसे अगर आपके पास पास और पास रहे इसका मतलब वो भी होगा पास, यानी प्लस करना है। अगर एक फेल रहे, दूसरा भी फेल रहे, तो फेल फेल के लिए आपको यानी फेल ही करना है, यानी घटाना है। दोस्तों एक रहे पास एक रहे फेल तो भी घटाना है, एक रहे फेल और एक रहे पास तो भी घटाना है। इस प्रकार से यानी जो अपने पास 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 कंडीशन वो पास के लिए ही है। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 29% अंक प्राप्त हुआ, यानी यहाँ हो गया अपने पास 29% लिख लेते हैं, और 29 अंक प्राप्त हुआ वह 6 अंक से फेल हो गया, यानी कि 6 अंक फेल हुआ, इसलिए माइनस यहाँ लिख लेते हैं, 6 अंक फेल हुआ। अब करा कि एक अन्य विद्यार्थी है उसको 43% अंक, देखिए दूसरा विद्यार्थी जिसको 43% अंक मिला और वह 8 अंक अधिक लाया, यानी 8 अंक ज़्यादा लाया, तो एक रहेगा माइनस। यहाँ देखिए कुछ यहाँ त्रुटि हो गया है, यहाँ देखिए एक पास रहे एक फेल रहे तो प्लस करना है आपको, एक फेल रहे एक पास रहे तो प्लस करना है आपको, यानी इस दो कंडीशन में सेम सेम रहेगा तो घटाना है, सेम सेम रहेगा तो घटाना है, और डिफरेंस रहे तो जोड़ना है। देखिए यहाँ प्रतिशत को आपको हमेशा घटाना है, प्रतिशत देखिए यहाँ दे रखा है, यह हमेशा घटेगा। 29 और 43 को माइनस करेंगे तो आएगा 14%, और देखिए एक यहाँ माइनस है एक प्लस, यानी एक फेल है दूसरा पास है, तो ऐड करना है, यानी 14 आ गया, 14। अब पहला अपने पास प्रश्न है कुल पूर्णांक क्या है, तो पहले एक नंबर लिखते हैं कुल पूर्णांक। चलिए कुल पूर्णांक हम एक्स डिनोट करते हैं, कुल पूर्णांक गुने, देखिए इसका 14% आया, परसेंट बटे 100 बराबर हो गया 14, 100 कैंसिल हुआ, यानी कि कुल आ गया अपने पास 100, कुल मार्क्स आ गए, तो पहला का आंसर होगा 100। चलिए इसका हम दूसरा निकालते हैं, देखिए दूसरा अपने पास है न्यूनतम उत्तीर्णांक, देखिए यहाँ पहले कुल पूर्णांक है आपका 100 गुने, अब या तो ये परसेंट यूज कीजिए चाहे ये परसेंट, दोनों में किसी एक की यूज करना है। जैसे 29%, चलिए 29%, 29/100, अब ये माइनस में है तो आ जाएगा ये प्लस में, यानी 6 अंक से फेल हुआ, अगर फेल नहीं होता तो इसके लिए प्लस 6 अंक और चाहिए। माइनस यूज किए प्लस यहाँ किया, वही अगर इस प्रतिशत की यूज करते तो यहाँ प्लस है जो माइनस यहाँ यूज करते। चलिए इसका सौ कैंसिल गया तो 29+6 ये आ गया 35 है, यानी 100 मार्क्स की एग्जाम है, कम से कम पास होने के लिए 35 चाहिए। तीसरा देखिए अपने पास कह रहा है कि इसका उत्तीर्णांक प्रतिशत, देखिए प्रतिशत अपने पास उत्तीर्णांक आया है 35, जबकि कुल मार्क्स है 100 का, तो ये 100 लिख लिए गुने अपने पास फिर 100, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 भी करना होगा, तो ये 100 कैंसिल गया, ये 35% दिया। इस प्रकार तीनों आंसर गया। चलिए दूसरा प्रश्न इसका कह रहा है हिटलर ने अपनी कक्षा के वार्षिक परीक्षा में इतना अंक लाया प्राप्त किया, देखिए वो लाया है कितना, 37.5%, चलिए लिख लिए इसको करा, और 68 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया मतलब माइनस है, इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ 68 माइनस लिख दिए, फेल हो गया। अच्छा उसके बाद अपने पास है उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% प्राप्त की, चलिए इसको लिख लेते हैं फिर 47.25% प्राप्त की, जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक है, यानी उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक है, तो पूर्णांक यानी कुल पूछ रहा है, पास अंक पूछ रहा है, और
प्रतिशत ज्ञात करा। देखिए सबसे पहला काम आप ये प्रतिशत हमेशा घटाइएगा, प्रतिशत कुछ भी दिया हो हमेशा घटाइएगा। चलिए इसको हम घटाते हैं, यहाँ अपने पास दशमलव दो, दशमलव बाद दो अंक है तो यहाँ दशमलव बाद दो अंक पुराने के लिए एक जीरो दे सकते हैं, है दे सकते हैं। चलिए दो अंक पुर गया, अब इसको हम माइनस करते हैं। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आएगा पाँच, पाँच और बारह सात, पाँच गया तो ये आ गया सात, इतना हो गया। उसके फिर इसको हम करेंगे तो ये सात वो सात यानी ये हो गया अपने पास सोलह, सोलह में सात यात यानी नौ हो गया, यहाँ नौ शेष बचा, नौ दशमलव सात पाँच प्रतिशत। और इधर देखिए एक फेल है एक पास है, तो एक रहेगा फेल एक रहेगा पास, तो फेल पास हो तो आपको जोड़ना है, फेल रहे पास रहे तो जोड़ना है। देखिए यहाँ ये हो गया अपने पास पास है, देखिए यहाँ हम इसको लिख देते हैं, इसको जोड़ते हैं, आठ नौ हो गया अपने पास सत्रह, छः चार दस और दस एक ग्यारह हो गया, ये ग्यारह हो गया। अब इसका हम कुल निकालते हैं, तो कुल निकालने के लिए देखिए ये अपने पास पहला कुल निकालते हैं, ये एक्स गुने और क्यों एक परसेंटेज यूज कीजिए। जैसे कि देखिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, ये पहले तो ये अपने पास देने हैं नौ दशमलव सात पाँच प्रतिशत, ये है बटे एक सौ और बराबर है एक सौ सत्रह, एक सौ सत्रह है। चलिए इसका दशमलव उड़ाते हैं तो एक दो, दो अंक नीचे आ जाएगा, दो अंक नीचे आएगा। इसको अब हम फिर बनाते हैं तो ये अपने पास कैंसिल कीजिए, ये पाँच से पाँच टेबल्स कैंसिल करते, ये पाँच इकाई पाँच बचा चार, ये सैंतालीस हो गया, पाँच नवा पैंतालीस बचा दो, पाँचे पच्चीस, फिर ये पाँच हो गया पाँच दूना दस तीन जीरो। फिर देखिए पाँच हम कैंसिल करते हैं, है ना, पाँच कैंसिल करते तो ये हो गया पाँच चौके बीस दो जीरो। फिर इसको करते हैं तो अपने पास होता है पाँच चौके सॉरी पाँच तिया पंद्रह, बाकी बच रहा चार, पाँच नवा पैंतालीस, इस प्रकार से हुआ उनचालीस बटे चार सौ बराबर एक सौ सत्रह। तो ये उनचालीस इसको काटते हैं, उनचालीस इसको काटेंगे तो ये कटने के बाद ये एक्स का मान देगा अपने पास बारह सौ रुपया, ये बारह सौ देगा, यहाँ सॉल्व कीजिएगा बारह सौ तभी कुल आया है। ठीक उसी प्रकार ऊपर प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं, ऊपर प्रोसेस न्यूनतम पास अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक इस पर निकाल सकते हैं, बस सिर्फ गुणधर्म देखिए हम लिख देते हैं आपको यहाँ नोट में। जब आपको सेम सेम रहे, सेम सेम रहे मतलब अगर पास रहे और फिर पासे रहे तो घटाना है, तो घटाना है, या फेल रहे फेल ही रहे तो भी घटाना है, तो भी घटाना है। वही अगर एक पास रहे दूसरा फेल रहे तो आपको जोड़ना है, तो आपको जोड़ना है, समझ रहे हैं। जब सेम सेम रहेगा तो घटाना है और डिफरेंस रहेगा जोड़ना है, लेकिन प्रतिशत को हमेशा घटाना है। चलिए तीसरा प्रश्न है उसको डील करते हैं, ये आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा इसको, है न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकाल लीजिएगा और इसको कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आंसर देखकर आपको बता सके सही है या गलत। चलिए तीसरा अपने पास प्रश्न है, कह रहा रणवीर ने एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए तथा 10 अंक से फेल हो गया। देखिए पहला काम उसको 35% अंक प्राप्त किया, इसको हम लिख लेते हैं 35% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया था यानी माइनस हो गया, 10 अंक से फेल हो गया। जबकि उसके साथ हिटलर ने उसी परीक्षा में 42% अंक लाकर, देखिए ये 42% अंक लाए, लाकर 24 अंकों से फेल हो गया, देखिए ये भी फेल हो गया, 24 अंक फेल हो गया, तो वही उसका कुल पूर्णांक पास अंक और पास अंक का प्रतिशत ये तीनों निकालना। चलिए देखिए जैसा कि आपको बताएं ये प्रतिशत आपको हमेशा घटाना है, ये 35 और 42 का घटाइए यानी ये बच गया 7%। और देखिए ये अब सेम सेम है, ये भी फेल है ये भी फेल है, तो सेम सेम रहेगा तो घटाना है, डिफरेंस रहेगा एगो फेल एक पास रहेगा तो जोड़ना, ये 24 और 10 को घटाएंगे तो ये आ गया 14 है। तो कुल निकालने के लिए देखिए पहला अपने पास कह रहा कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक हो गया एक्स, इसका 7% और बराबर दे रखा है 14, सात इकाई सात सात दुना चौदह यानी कुल आ गया अपने पास 200 है। अब इसका दूसरा पूछ रहा है, दूसरा अपने पास है, दूसरा अपने पास कह रहा है कि पास अंक, देखिए ये 200 है, पहले कुल पूर्णांक है 200, अब 200 में से आप चाहे इसको यूज कर लीजिए चाहे इसको यूज कर लीजिए, दोनों में से किसी को यूज कर लीजिए। देखिए 35% है तो हम पहला ही यूज करते हैं 35/100। अब देखिए यहाँ अगर आपको फेल रहे तो आपको ध्यान रखना है जोड़ना है, अगर वही पास रहता आपको घटाना था,
तो ये 100 और ये 100 देखिए कैंसिल गया, 35 दुना 70, 70 और 10 जोड़ेंगे तो आ गया 80, ये 80 आ गया न्यूनतम पास अंक। उसके तीसरा इसी प्रश्न देखिए, तीसरा इसी एक प्रश्न है और प्रश्न क्या है तो उसका प्रतिशत यानी पास अंक प्रतिशत। देखिए पहले पास अंक आया कितना 80, 80 लिख दिए, बटे कुल अंक कितना है 200, तो बटे 200 हो गया और गुने हो गया 100, तो इसका 100 इसका 100 कैंसिल गया, 2 से यहाँ काटिए 2 चौके 80, यानी आ गया पास अंक कितना 40%। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न पर, तो कॉम्पिटिटिव विथ तनवीर।